नमस्कार दोस्तों, एक फीमेल हथेली हमारे पास है और अगर हम हथेली को देखते हैं तो देखिएगा, साधारण तरीके से देखने की कोशिश करिएगा आप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे इस उंगली का जो जड़ वाला भाग है, ये इसको हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं, इसको जुपिटर का माउंट कहा जाता है, क्योंकि ये हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं और आचार्य बृहस्पति जी हैं जो हमारी हथेली में यहाँ पर बैठते हैं। और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से झुक रहा है और ये बीच का जो भाग है ना, इसको भाग्य स्थान कहते हैं, शनि का पर्वत कहते हैं, इस तरफ ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी हथेली में ये बृहस्पति जी शनि की तरफ ढलते हैं ना, तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना बहुत ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता है। निश्चित में इन बृहस्पति का शनि से युक्ति बनाने के कारण आपको वर्तमान समय में पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और उसके अलावा क्या है हथेली में, ध्यान से देखिएगा, उसका अलावा क्या है कि जो ये आपकी जीव हृदय की लकीर है, आप अगर यहाँ पे देखें तो बहुत सारी रेखाएं इसको काटती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं, बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, द्वीप जैसे बना रही हैं। तो रिश्तों के प्रति ऐसे व्यक्ति को बड़ा संभल कर रहना पड़ता है, क्योंकि बात बात पर रिश्ते बिगड़ने सुधरने शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या दिखाई दे रही है हथेली में, गौर से देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी ये हृदय की लकीर है, इस लकीर पे आपके निम्न मंगल क्षेत्र से दो रेखाएं आके समाहित हो रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, केवल हृदय की लकीर पे समाहित हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मंगल का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रहा है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन का जो सुख होना चाहिए, दाम्पत्य जीवन का जो संपन्नता होनी चाहिए, जो सुख होना चाहिए, वो आपको मिल नहीं पा रहा है। दाम्पत्य जीवन का सुख व्यक्ति को अगर नहीं मिलता है तो जीते जी ऐसा लगता है कि व्यक्ति नरक का सुख भोग रहा हो। तो साथ में बृहस्पति शनि से युक्ति बना रहे हैं तो पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो तो आएंगी ही, साथ में दाम्पत्य जीवन जो है अच्छा नहीं रहेगा। ये आपका जो है यहाँ पे मंगल का प्रभाव पड़ने का कारण दिखाई दे रहा है। अब साथ में एक चीज़ और दिख रही है, क्या दिख रही है वो भी चलते हैं। देखिएगा, वर्तमान समय में जो शुक्र का कारक है आपका, ये शुक्र का पर्वत यहाँ पे है और इस शुक्र के पर्वत पे आप देखो जहाँ तहाँ बहुत सारी गौण रेखाएँ जालनुमा बनाई हुई दिखाई दे रही है, जिसे कतई शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में जिस भी व्यक्ति के शुक्र के पर्वत पर इस प्रकार की स्थिति बन रही हो, ये मानसिक परेशानी देती है, व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है, ये निश्चित है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी अभाव में ही जीवन जीते हैं। अगर ये इस तरह से जालीनुमा हो तो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जो सुख लोगों को नॉर्मल तरीके से मिलता है। पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं रहेंगी, किसी न किसी प्रकार से मानसिक परेशानी रहेंगी ही रहेंगी, ये आपका जो है शुक्र यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात, हथेली में एक चीज़ और बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आप देखते हैं तो आपका जो मणिबंध है वो भी दोषयुक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब व्यक्ति के जो है न तो बृहस्पति ठीक हो, वो शनि से युक्ति बना रहे हो, न तो मंगल का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा हो, शुक्र जो है नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो, साथ में आपका मणिबंध भी इस तरह से दूषित अवस्था में हो, तो जीवन भर कोई ना कोई चिंता व्यक्ति को लगी रहती है। ये चिंता के भाव को उजागर करते हैं,
ये आपकी हथेली की कुछ युक्तियां हैं जो बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब आपकी करियर और धन की रेखा को भी देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई और एकाएक हृदय की लकीर पे जो है समाहित हो रही है, या उससे पहले मंगल की रेखा इसको काट रही है। क्या कह रही है? बड़ा सावधान रहना चाहिए आपको, ज़रूर नहीं होगा, लेकिन ये आपको चेतावनी दे रही है। क्या चेतावनी दे रही है? देखिएगा करियर और धन के मामले में आप भावनाओं के वशीभूत होकर कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिस एक निर्णय के कारण आपका पूरा डेवलपमेंट, आपकी पूरी प्रोग्रेस नष्ट हो सकती है, अवरुद्ध हो सकती है। तो ध्यान रखें, बड़ी समझदारी से काम लें और अपनी करियर और धन की रेखा को पुष्ट करें। ये आपकी हथेली कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, मेन चीज़ें थी, वो हमने आपकी हथेली में बताई है। अब हम इसमें जो है पूरी तरह से डूब जाते हैं और पूरी तरह से जो है इसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपके स्वभाव पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखोगे आप, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है और आपकी जो जीवन की लकीर है, इसमें बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये कह रही है कि थोड़ा ज़िद्दी किस्म का व्यक्तित्व आपका है, ज़िद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा है। और जब व्यक्ति के अंदर ज़िद्दीपन ज़्यादा रहता है, अपने मन की करने वाला व्यक्ति रहता है, दूसरों की बहुत ज़्यादा नहीं सुनता है, चाहे परिवार में हो चाहे बाहर हो, तो उस व्यक्ति के साथ जो है थोड़ा सा जो है औरों के विचार नहीं मिल पाते हैं, उसको अलग थलग करने की लोग कोशिश करते हैं, चाहे परिवार में हो चाहे बाहर हो। दूसरी बात है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा, मतलब मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला आपका व्यक्तित्व है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलेंगे, अपने मन के मालिक हैं और स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों पे काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई सोच पे चलना आपको अच्छा लगता है, नई आइडियाज पे चलना आपको अच्छा लगता है, और कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। छोटी सी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ऐसे लोग अच्छा जानते हैं। लेकिन मंगल का प्राबल्य आने के कारण ज़्यादातर मामलों में जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं बिना सलाह के। ज़्यादातर मामलों में जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, जिस निर्णय के कारण कई बार पछताना भी ऐसे लोगों को पड़ता है। ये यहाँ पे दोनों के बीच गैप दिखाई दे रहा है, जो ये साफ साफ बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो है देखिएगा, आपकी जो गुरु बृहस्पति हैं, उनकी उंगली पूरी तरह से जो है शनि की उंगली की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। और जब ये हमारी तर्जनी, जिसे हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, आचार्य बृहस्पति जी की जो फिंगर है वो शनि की तरफ ढलती है, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को ये जन्म देती है। आपका जो व्यक्तित्व है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छे खासे रूप में उपलब्ध है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे जो आपकी शनि की उंगली है, ये पूरी तरह से झुक रही है और आपके रिंग फिंगर, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, उस तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। ये शनि का थोड़ा नेगेटिव प्रभाव को जन्म देती है। ऐसे व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तभी उनको सफलता की प्राप्ति होती है। मनी अगर एक सामान्य व्यक्ति किसी चीज़ को पाने के लिए 10% मेहनत कर के पाता है उस चीज़ को, उसी चीज़ को पाने के लिए आपको 40% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसमें सफलता मिलेगी।
ये आपका जो है यहाँ पे शनि की उंगली बताती हुई नज़र आ रही है। लेकिन रिंग फिंगर जो है, जो सूर्य की उंगली है, ये सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रही है। और ये किसकी तरफ झुक रही है? ये शनि की तरफ झुकती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरह से जो है शनि की तरफ झुक रही है। और जब ये सूर्य की उंगली शनि की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। यही ये आपके अंदर दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जो ये आपकी इंडेक्स फिंगर है उससे बड़ी आपकी रिंग फिंगर दिखाई दे रही है, सूर्य की उंगली। अब जब हमारी ये रिंग फिंगर लंबी होती है, मिडिल फिंगर से छोटी होती है, और आपकी तर्जनी इंडेक्स फिंगर से लंबी होती है, तो व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है, रिस्क लेने की क्षमता को भी जन्म देती है। और ये उंगली अगर लंबी होती है तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, फेम की प्राप्ति करता है। और अगर मेहनत करे अपने दिल से, अपने पुरुषत्व से, तो उस मेहनत के दम पर ज़्यादातर मामलों में सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, या यूँ कहें सरकारी क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला ये व्यक्ति होता है, सफलता की प्राप्ति जीवन में करता है। इन दोनों के बीच थोड़ा हल्के रूप में गैप दिखाई दे रहा है, जो तीसरा पौर हुआ है। 50वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रह सकता है, या धन के महत्व जो होता है उसको समझने में थोड़ा सा कमी रह सकती है, या यूँ कहें कि धन के मामले में संघर्ष की स्थिति रह सकती है। इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ 50वें वर्ष तक आपके जीवन में रहेगी। यहाँ पे अगर कनिष्ठा उंगली देखें तो वर्तमान समय में कनिष्ठा उंगली आपकी अच्छी खासी लंबवत दिखाई दे रही है, और सूर्य के पहले पौर्वे तक नहीं पहुँच पा रही है। मतलब मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटबिलिटी में कहीं ना कहीं जो है, या कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आप देखिएगा, सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में जो है शनि की तरफ दिखाई दे रहा है, शनि के गुण भी आ रहे हैं, जिस कारण कई बार जो है व्यक्ति दुखी हो जाता है, या जीवन में खुशियों में कमी देने का शनि जो है काम करता है। आपका अंगूठा देखें, अंगूठा आपका अच्छा खासा लंबा है और लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रथम पौरवा देखें तो लंबा और नुकीला है, जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी यहाँ पे दिख रही हैं। आप थोड़ा सा अपने जीवन काल में जो है लोन वगैरह, कर्जा वगैरह कम लें, क्योंकि अगर लें भी तो जिस काम के लिए लेते हैं उसी काम के लिए यूज करें, नहीं तो उस कर्जे से बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी हृदय की लकीर को अगर देखते हैं तो हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई सीधा जो है आपकी मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर के बीच में जा रही है, जिसके कारण आपका बृहस्पति और आपका शनि के इसमें प्रभाव पड़ रहा है। और जब हृदय की लकीर पर बृहस्पति और गुरु का बल आता है, बलाबल की स्थिति में ये होते हैं, तो ऐसे लोग निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रही है और अभी भी होती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण आपकी जो इच्छा वर्तमान समय में हो रही है वो एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं शनि का प्रभाव आ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, येन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। अब थोड़ा आपकी मस्तिष्क की लकीर की ओर चलते हैं, आपकी मस्तिष्क की रेखा क्या कह रही है। मस्तिष्क की रेखा अच्छी खासी लंबी यहाँ पे है, आचार्य बृहस्पति का यहाँ से प्रभाव पड़ रहा है और मंगल का भी साथ साथ में प्रभाव पड़ रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो ज़्यादातर ज्ञान अर्जन करने की और आप ज़्यादा सोचेंगे। दूसरी बात, ये यहाँ पे सीधा चली जा रही है,
क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और यूँ कहें बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जिद्दीपन भी अपने जीवन में रहेगा। अपने मन की करने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहने वाला है। हाँ, विवेकपूर्ण ढंग से काम जरूर करेंगे, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा आती हुई इस तरह से जारी है, एक सुंदर सा गोलनुमा है, लेकिन अगर आप देखो इस क्षेत्र में थोड़ी पतली होती हुई दिखाई दे रही है। 60 से 65 वर्ष की उम्र के बीच थोड़ा सा जो है परिवर्तन आ सकता है और आप अध्यात्म के क्षेत्र में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये आपकी जीवन की रेखा बता रही है। यहाँ पे थोड़ा चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, तो जीवन में वर्तमान समय में देखा जाए तो मानसिक परेशानी ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो उतार चढ़ाव भी यहाँ पे लगातार दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पे दिख रही है। एक रेखा अगर और देखें तो यहाँ पे शानदार मंगल की रेखा दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी रेखा है। आपको अपने जीवन काल में इस रेखा की वजह से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप से मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है वो भी अच्छे खासी रूप में बनी हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि की आप मालकिन हैं। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद होगी। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है इस रेखा की वजह से अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे धन और करियर की रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखिएगा, इस पर्वत के बारे में तो हमने बता दिया है। आपका अगर मंगल देखें तो निम्न मंगल बहुत ज़्यादा रेखाओं से भरा पड़ा दिखाई दे रहा है, जो कन्फ्यूजन की स्थिति को वर्तमान में पैदा कर रहा है, जो निर्णय लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हल्का सा गुस्सैलपन या चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है, ये आपका मंगल यहाँ पे कहता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न कर रहेगा तो आँखों से संबंधित जैसे चश्मा लग सकता है, नज़रें थोड़ा कम हो सकती हैं, या ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है, जो शारीरिक जो ताकत है उसको थोड़ा सा कम करने का कार्य मंगल कर सकता है। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर ज़्यादा खराब होता है तो ये करने की कोशिश करेगा, इस बात की ओर ये संकेत देता हुआ नज़र आ रहा है। बृहस्पति देखें तो पूरी तरह से शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक समस्याओं का आपको निश्चित रूप से सामना करना पड़ेगा। मंगल का प्रभाव आ रहा है तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी जो है परेशानी रह सकती है, और आपका थोड़ा जिद्दीपन वाला स्वभाव है, स्वतंत्र विचारधारा है, अपने मन का करने वाला व्यक्तित्व है, जिस कारण इसमें और भी ज़्यादा वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका उपाय दूंगा करने की, आप कोशिश करिएगा। शनि देखें तो शनि आपका जो है 7.5 वर्ष तक लगभग बेवजह की चिंताएं देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेवजह की चिंताएं दे रहा है, मानसिक परेशानी दे रहा है, कदम कदम पर अड़चने देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बुरे बुरे ख्याल आ सकते हैं, बुरे बुरे सपने आ सकते हैं। नौकरी का मामला हो तो उसमें कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इस ओर जो है ये आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी जीवन की खुशियों में कमी करने का ये कार्य कर रहा है और मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य की बात करें, सूर्य में एक बहुत सुंदर त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका सूर्य बहुत अच्छे रूप में अगर आ जाता है, भव्य अवस्था में आ जाता है, तो निश्चित रूप से धन के मामले में, अगर आपके धन और करियर की रेखा भी एकदम सुदृढ़ हो जाएगी तो धन के मामले में जो है बहुत बड़ी वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान समय में आपका सूर्य थोड़ा सा जो आपकी मेहनत है,
जो आपका परिश्रम है उसका थोड़ा क्रेडिट और श्रेय आपको नहीं मिल पा रहा है, चीज़ों का विस्तार नहीं हो पा रहा है जिस रूप में होना चाहिए। आपका बुध बहुत अच्छा है, आपका व्यक्तित्व को ये बहुत अच्छा निखारता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा ये कह रहा है कि अगर व्यापार करने होंगे तो हल्के रूप से, आंशिक रूप से थोड़ा मध्यम स्थिति में रखेगा। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, गजब का है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है जिस कारण से ये थोड़ा सा मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा भावुक करता हुआ दिखाई दे रहा है। मन कभी कभी ठीक नहीं रहेगा, मन गड़बड़ रहेगा, और जब मन गड़बड़ रहता है तो थोड़ा सा जो है हमारा जो पेट का मामला है उसमें भी थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है, हार्मोनल सिस्टम है थोड़ा गड़बड़ रहता है, और सबसे ज़्यादा मन पर असर पड़ता है। इमोशनली व्यक्ति थोड़ा परेशान होने बैठ जाता है, थोड़ा सा जो है मन खराब रहने बैठ जाता है, ये आपका चंद्रमा देता हुआ दिखाई दे रहा है, और कोई ना कोई चिंता जो है लगी रहती है, ये आपका चंद्रमा यहाँ पे ये चीज़ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में विधिवत तरीके से वैज्ञानिक उपाय, ज्योतिषीय उपाय और प्राकृतिक उपायों का समावेश एक ही साथ लिख करके आपको दे रहा हूँ। उसी विधि से उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, और जीवन में जो अड़चने हैं निश्चित ही वो जो है ख़त्म होने शुरू हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।